गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द यूपी विनीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, अगर आप क्लास फाइव में पढ़ते हैं, कक्षा पाँच में पढ़ते हैं, तो ये आप सबके लिए सुनहरा मौका होने वाला है, क्योंकि एक जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम 2022 में जो पेपर हुआ था, तो उसी का ये जो है कि पेपर है, और उसको मैं हल करने वाला हूँ साथ में आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि इसमें कौन सा पेपर का जो है कि सही प्रश्न है और क्यों सही प्रश्न है। तो मैं इन सभी बातों को आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप क्लास फाइव में पढ़ते हैं, आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप सब इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। वीडियो को आप बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपको, अगर आप गरीब फैमिली से हैं, तो यहाँ पर आपको सरकार की तरफ से एक सिस्टम है। यहाँ पर आप जो है कि बिना पैसे के, आप अगर आप इसमें सेलेक्शन हो जाता है इस स्कूल में आपका, तो आपको जो है कि सब कुछ फ्री में मिलता है। वहाँ पर आपको खाना पीना, यहाँ पर की पढ़ाई की सुविधा सारी का सरकार आपको देती है। तो ये सुनहरा मौका जो है कि आप सब जो है कि बिल्कुल भी ना गवाएं, और आप सब जो है कि अच्छे से पढ़ेंगे और इस वीडियो का पूरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई भी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भाग एक दिया है, तो सबसे पहले आपको पेपर दिया जाता है। तो आपका पेपर वहाँ पर कैसा रहेगा, तो मैं आपको पेपर भी एक दिखा देता हूँ, फिर इसको आराम से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा पेपर दिया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऐसा पेपर है। तो आपको एक ऐसा पेपर दिया जाता है, तो मैंने बहुत सी वीडियो में बता रखा है, या फिर आपने अगर कहीं पहले भी वीडियो देखा होगा जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी का, तो उसमें भी आपको बता दिया गया होगा कि आपको कैसा पेपर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया। तो अब हम इसको, चलिए अब हम इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर आप जब जाते हैं वहाँ पर पेपर में हल करने के लिए, तो आप यहाँ पे चाहे तो प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। अगर आपको प्रश्नों को नहीं पढ़ने में अपना टाइम गंवाना है, तो फिर आप हमारी, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन सभी का मैंने तैयारी करवा दिया है। आप उन सब वीडियो को देख लेंगे, तो आपको यहाँ पर इन प्रश्नों को पढ़कर अपना समय गंवाने में, आप अपना टाइम जो है कि बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप इसको बिल्कुल देख कर और पहचान लेंगे कि इसमें से कौन सा सही आकृति है। तो चलिए हम यहाँ पर अब इसको सीखते हैं। तो आपने अगर ये नहीं मालूम है, तो चलिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है, तो फिर चलिए ठीक है, हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर देखा है तो आप तो ऐसे ही पहचान जाएंगे कि इसमें खुद से कौन सी सही आकृति है। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं, ताकि ये वीडियो सभी छात्रों के लिए बन जाए। तो यहाँ पर भाग एक है, ये मानसिक योग्यता परीक्षण होने वाला है। खंड एक का मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी पहले पेपर में आप जब जाएंगे, तो आपको खंड तीन दिए रहेंगे। पहला नंबर रहेगा, पहला खंड रहेगा आपको मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा खंड रहेगा अंकगणित परीक्षण, और तीसरा खंड भाषा परीक्षण। तो यहाँ पर हम पहला खंड को पहले जो है कि सॉल्व करेंगे, भाग एक का। तो यहाँ पर निर्देश, प्रश्न संख्या एक से चार में प्रत्येक प्रश्न चार चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन चार चित्रों में से तीन चित्र किसी विधि के एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो यहाँ पर आपको जो है कि चार प्रश्न दिया है, प्रश्न ए, एक का ए बी सी और डी। तो यहाँ पर आपको एक आंसर सेट भी मिलता है, तो उसको MR उत्तर पत्रिका बोला जाता है। तो आपको ऐसा कुछ MR उत्तर पत्रिका दिया जाता है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर पीछे दिखा देना चाहते हैं, आपको OMR उत्तर पत्रिका यहाँ पे दिया है। तो हमारा अगर मान लीजिए प्रश्न नंबर पहले का यहाँ पर डी सही है, तो यहाँ पर इसको काला करना रहता है आपको नीला पेन से, ठीक है। आप समझ गए ना, ये आंसर सीट है, हम आपको समझा दे रहे हैं कि आपको ऐसा ही आंसर सीट मिलेगा वहाँ पर, तो उसमें आप उसमें जो कि टिक लगा लेंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ पर समझते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर एक, तो यहाँ पर इसमें से सबसे, यहाँ पे यह वर्गीकरण का ये मैथ सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, अगर आपने पढ़ा है मेरा वीडियो में, अगर आपने पढ़ रखा है, तो आप इसको पहचान लेंगे इसमें से। तो सबसे पहले वाले खंड में आपको सबसे अलग आकृति को ढूंढनी रहती है, सबसे अलग आकृति को आपको पहचाननी रहती है। तो इन चारों में से देखिए सबसे अलग आकृति कौन सी है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर डी वाला सही है। क्यों डी वाला सही है, वो भी हम आपको समझा देते हैं। इसमें आप ये देखिए, एक खंड, दो खंड, तीन खंड, इसमें तीन खंड हैं। यहाँ पर जो बंद हुई आकृति है, यहाँ पर तीन बंद हुई आकृति, इसमें एक दो तीन और चार, यहाँ पे बंद आकृति जितनी भी है इसमें चार है, इसमें भी एक दो तीन और चार, इसमें भी चार हैं, और इसमें भी एक दो तीन और चार। तो इसमें 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 इन सब में चार चार है, इसमें तीन है। तो यहाँ पर ये वाली आकृति सबसे अलग है, और यही सही भी होगा। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर एक का डी वाला सही है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर अगर एक का डी वाला सही है, तो यहाँ पर हम अपने आंसर सेट में प्रश्न नंबर एक का डी लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा प्रश्न नंबर,
यहाँ पर ये आंसर शीट है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर एक, तो प्रश्न नंबर एक में हमारा कौन सा सही था, डी। तो यहाँ पर आपको एक नीला पेन रहेगा, उससे आपको यहाँ पे एक काला करना रहेगा। तो हम जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे रेड पेन है, तो हम इससे काला कर देंगे, ठीक है। तो आपको रेड पेन वहाँ पर यूज नहीं करना है, आपको ब्लू और बॉल पेन यूज़ करना है। मतलब ब्लू होना चाहिए और आपका पेन जो है कि सिंपल तरीके से होना चाहिए, ना कि जेल पेन होना चाहिए। जेल पेन से क्या होता है कि आप इस पर खींचेंगे और स्याही उसका उस बगल निकल जाता है, इसलिए आपका बॉल पेन होना चाहिए। तो चलिए आपको इतना भी समझ में आ चुका होगा। तो अब हम इसको आंसर सेट में नहीं करेंगे, आपको ऐसे ही हल करा देंगे। आप जो है कि समझ सकते हैं कि हम कैसे हल करा रहे हैं, आप अंदाज लगा लेंगे कि आपको आंसर सेट में कैसे भरना है। अब सबको मतलब आपको ये आंसर सीट में भरने की विधि जो है कि समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम इसको प्रश्नों को जो है कि डायरेक्ट हल करते हुए थोड़ा रफ्तार में चलेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी जो है कि हो सकती है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी आपको सॉल्व कराते हुए बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे का कौन सा सही होगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे का जो कि हमारा सही होगा, यहाँ पर एक दो तीन, यहाँ पर तीन आकृति दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरे, यहाँ पर दूसरे का हमारा सी सही होगा। क्यों सी सही होगा, यहाँ पर ये आकृति बाहर की तरफ गया है, यहाँ पर यहाँ पर तीन बिंदु, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, यहाँ पर तीनों बिंदु जो है इस कोने के उस साइड में दिया गया है। यहाँ पर इस कोने में इस साइड दिया गया है, तो यहाँ पर भी इस कोने में इस साइड दिया गया है, यहाँ पर इस बिंदु को इस साइड में कोने पर दिया गया है, जबकि यह बिंदु इसके बीच में आ रहा है। समझ सकते हैं आप, जबकि ये बिंदु इसके बीच में आ रहा है, इसलिए अलग आकृति है। तो प्रश्न नंबर दूसरे का यहाँ पर सी वाला सही है, तो आप आंसर सेट में सी में जो कि भर देंगे, उसको काला कर देंगे, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे में आप आ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरे का कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरे में सबसे पहले आप यहाँ पर इस एरो को देखिए, इस एरो पर यहाँ पर एक पाही दिया गया है, फिर छोटी पाही, फिर छोटी पाही, फिर इससे भी छोटी पाही, इसमें भी वही प्रक्रिया है और इसमें भी वही प्रक्रिया है, जबकि इसमें नहीं है। इसमें सबसे पहले छोटी पाही है, फिर बड़ी पाही है, फिर बड़ी पाही, फिर उसके बाद बड़ी पाही है, जबकि सब में सबसे पहले छोटी पाही दिया गया है। यहाँ पर छोटी पाही, छोटी पाही, छोटी पाही, इसमें भी छोटी पाही, छोटी पाही, छोटी पाही, छोटी पाही, इसमें भी छोटी पाही, छोटी पाही, फिर लास्ट में बड़ी पाही। यहाँ पर लास्ट में बड़ी पाही है, फिर छोटी छोटी करके आया है, तो यहाँ पर ये अलग आकृति है। तो प्रश्न नंबर तीसरे का सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर चलते हैं प्रश्न नंबर चार, तो प्रश्न नंबर चार में हमारा कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर चार का हमारा ए बी सी और डी। तो यहाँ पर सबसे पहले आकृतियों को गिन लेते हैं, यहाँ पे गुणा का चिन्ह दिया गया है, एक दो तीन और चार, यहाँ पर चार गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर भी एक दो तीन चार, यहाँ पर भी चार का गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर भी एक दो तीन और चार, यहाँ पर भी चार का गुणा का चिन्ह है, जबकि इसमें पाँच गुणा का चिन्ह है। तो प्रश्न नंबर इसका चौथा का बी सही है, क्योंकि इसमें जो गुणा का चिन्ह बना हुआ है, इसमें पाँच बना है, इसमें चार बना है, इसमें भी चार बना है और इसमें भी चार बना है। चलिए हम चलते हैं भाग दूसरे में। तो हमारा पर मानसिक योग्यता परीक्षण का पहला खंड भाग जो है कि समाप्त हो चुका है। चलिए दूसरे भाग में हम आ चुके हैं, तो दूसरे भाग का भी हम निर्देश जो कि पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो निर्देश प्रश्न संख्या पाँच से आठ में बाईं ओर, प्रश्न संख्या पाँच से आठ में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, तथा दाईं ओर ए बी सी और डी के चिन्हित चार उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका के प्रश्न संघ संख्या वाले जो है कि वृत्त के सामने को काला कर दें। आपको वही काला करना रहे जो हमने बता रखा है आपको, आप समझ चुके होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे दूसरा खंड चालू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा मतलब दूसरा भाग चालू हो जाता है, दूसरा खंड में मतलब दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मानसिक योग्यता परीक्षण है, तो इसका भाग दूसरा है, ठीक। इसको खंड दूसरा नहीं बोला जा सकता, इसको भाग दूसरा बोला जा सकता है। तो इसमें आता है समान आकृति की खोज, इसके समान आकृति इन चारों में कौन सी है वो आपको खोजनी रहती है, ठीक। तो यहाँ पर समान आकृति की खोज हम करते हैं, इसके समान आकृति कौन सी है। तो प्रश्न नंबर हमारा है पाँच, तो प्रश्न नंबर यहाँ पर है प्रश्न नंबर पाँच, तो प्रश्न नंबर पाँच का हमारा कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर पाँच में हमारा यहाँ पर इसके समान आकृति कौन सी है, तो यहाँ पर ये हमारा जो है कि बी वाला सही है, इसके समान आकृति बी वाली है। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मिला सकते हैं। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर छः की तरफ, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर छः में हमारा कौन सा सही है, प्रश्न नंबर छः का हमारा ए वाला इसके समान है, बाकी सब अलग आकृति हैं, इसके समान आकृति आपको खोजना है। तो आप ढूंढते हुए थोड़ा फास्ट में और स्पीड में जो है कि चलते रहिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर सात, तो प्रश्न नंबर सात में हमारा कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर सात में इसके समान आकृति हमें ए वाला दिख रहा है, ये वाला भी इसके समान आकृति है यहाँ पर। और प्रश्न नंबर आठ में, तो प्रश्न नंबर आठ में हम आ चुके हैं, तो प्रश्न नंबर आठ में हमारा एक दो छः, एक तीन और छः, एक तीन छः किस किस में है, एक तीन छः, एक यहाँ पर ये वाले में भी है
और यहाँ पर भी इसमें भी है, 1-3-6 इसमें भी है। अब यहाँ पे 7 आया है, तो इस 7 किसमें है, इसमें यहाँ पर डी वाला सही होगा, डी वाला इसके समान आकृति है। पर चलते हैं भाग नंबर तीसरे में। स्टूडेंट आई होप कि आपको यहाँ पर ये समान आकृति की खोज समझ में आ चुका होगा। आप चलते हैं आगे भाग तीसरे में। तो यहाँ पर भाग तीसरे में जो है ये आपको पैटर्न पूर्ण करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पैटर्न पूर्ण करना रहता है। चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। निर्देश, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना चित्र परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न पूरा करने के लिए चित्र लुप्त भाग बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका के प्रश्न संख्या के संगत वाले वृत्त को काला करें, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या है, उत्तर चित्र है, तो यहाँ पर इसको पैटर्न पूर्ण करना रहता है। तो इसमें कौन सी आकृति इसमें फिट हो जाएगी? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर नौ का हमारा कौन सा सही होगा? यहाँ पर ए तो इसको फिट नहीं कर पाएगा, यहाँ पर बी वाला इसको फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का बी वाला इसको फिट इसमें फिट हो जाएगा। पैटर्न पूर्ण की आकृति है, जब इसको आप इसमें लगाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा ये पैटर्न। तो यहाँ पर इसका बी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में हमारा कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 10 में हमारा इधर ए वाला इसमें जो है कि पैटर्न पूर्ण कर देगा। यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, ए वाला चित्र, तो यहाँ पर ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर हम चलते हैं 11वें की तरफ। तो यहाँ पर चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर 11 में। चलिए अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 11 में। तो प्रश्न नंबर 11, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 में हमारा कौन सा सही होगा? चलिए एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 10 में हमारा ए सही था और यहाँ पर 11 में भी हमारा ए सही होगा। यहाँ पर जैसी आकृति दी गई है सब में, वहाँ पर इसमें जो है कि वैसी ही आकृति है, तो ए वाला बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर एक ऐसी आकृति गई है, एक बीच में आकृति गई है, मतलब एच के जैसा बना है, बीच में एक पाई खींच दिया गया है। यहाँ पर भी एच बना है, बीच में एक पाई खींच दिया गया है। आप ऐसे समझ लीजिए, सिंपल में आपको समझ में आ चुका है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ पर 12 में भी 12 वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार देख लेंगे, तो यहाँ पर 12 का कौन सा सही होगा? यहाँ पर डी वाला 12 में फिर सही होगा, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, यहाँ पर 12 का डी वाला सही होगा। तो आप थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पर दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर जो है एक पाही दिया गया है, तो इसमें एक ऊपर पाही दिया गया है, फिर एक पाही खींचा गया है। जैसे जैसे ये इसमें बना है, आप वैसे वैसे इसमें देख लीजिए, यहाँ पर ये सही है, बाकी सब अलग फलग दिया गया है। समझ गए आप ना? तो चलिए हम चलते हैं भाग 4 में। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर हम भाग 4 को सेकंड पार्ट में थोड़ा अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो आप जो है कि जितना हमने बता दिया है उतना पहले फिर से एक बार उसको रिपीट कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, तब आपको भाग 4 जो है कि सेकंड वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। उस वीडियो का लिंक जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो प्रोवाइड करा देंगे। तो स्टूडेंट अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। तो स्टूडेंट आप सब जो है कि अच्छे से थोड़ा अच्छे से जो है कि तैयारी करते रहिए। चलिए गुड बाय।